देखिए, जब कोई आदमी दूसरों के लिए करने के लिए निकलता है तो कुछ मुखालिफीन और मुआफिकीन पैदा होते हैं। जब आदमी अपना सोचने वाला होता है, जिसका ताल्लुक सोच का दायरा अगर अपनी जात है, सब मुआफी रहती है। जब दूसरों का सोचना आदमी अपने ऊपर ले ले तो मुखालिफीन पैदा होते हैं। भाई आप अगर किसी को देंगे, आदमी बात है कि सबको तो नहीं देंगे, किसी को नहीं भी देंगे, जिसको नहीं मिला वो आपको गलत बोला, जिसको मिला उसको अगर एक मर्तबा मिला, दूसरी मर्तबा आप नहीं दिए, दूसरी मर्तबा ना मिलने पे ना खुश हो जाए। लोगों के लिए जब किया जाने लगे, लोगों की हाजतों का ताल्लुक आए, बेहतरीन सोसाइटी का ताल्लुक आ जाए, तो ऐसी सूरत में मुखालिफिन पैदा हो। तो उस जमाने में भी कुछ मुखालिफिन पैदा हो गए, कहने लगे कि हजरत फारूक के आजम अमीर मोमिनीन बड़े सख्त दिल हैं, सख्त दिल हैं। तो हजरत फारूक के आजम ने फरमाया कि अरे लोगों, वल्लाह खुदा की कसम, देखिए अच्छे निजाम के दरमियान में आदमी को नरम भी रहना पड़ता है, गर्म भी रहना पड़ता है। बहुत ज्यादा कठिन मरहले आते हैं। भाई आप अगर स्कूल चला रहे हैं, कोई स्कूल चला रहे हैं, तो स्कूल मामूली अंदाज से नहीं चलता। भाई स्कूल चलाने के दरमियान में बड़े कठिन मरहले से आपको गुजरना पड़ता है। भाई आप मदरसा चला रहे हैं, जामिया चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, जब आदमी का प्रोग्राम और बढ़ता जाएगा, मसाइल बढ़ते जाएंगे, मसाइल बढ़ते जाते, फिर आदमी के लिए ऐसे परेशान कुल हालात पैदा हो जाते हैं कि आदमी बार बार सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं ये स्कूल चलाऊं या ना चलाऊं। भाई उस वक्त उसकी इस्तेहामत का सवाल पैदा होता है। तो आप पता है अपने ऊपर हम सोचे कि एक मामूली स्कूल चलाना है तो कितने कठिन मरहलों से गुजरना पड़ता है, कितने सब्र आत्मा लम्हात से गुजरना पड़ता है, कुछ नाराजगियां होती हैं, कुछ एहतजाज होते हैं, कुछ लोग परेशान करते हैं, जहनी अजियतें देते हैं, कुछ लोग खैर महसूस तरीके से सताते हैं, कुछ लोग खुश रहते हैं, कुछ लोग अजियत देते हैं। बल्कि ऐसा समझें, खुश रहने वाले कम रहते हैं, तकलीफ देने वाले ज्यादा रहते हैं। जिम्मेदारी, जब कोई आदमी जिम्मेदार बने तो जिम्मेदारी में तकलीफें ज्यादा आती हैं, मुसीबतें ज्यादा आती हैं, भाई अजियतें ज्यादा आती हैं। क्यों? आदमी बस उसने माशरत के लिए निकला हुआ है, लोगों के लिए निकला हुआ है, बदनामगी होती है। भाई आप अपने घर में दीवान खाने में रोजाना बिरयानी खा के बैठिए, बदनाम नहीं होंगे? वही बिरयानी आप दूसरों को खिलाना शुरू कीजिए, बदनामगी होती है। कहां से खिला रहा है, कहां से आ रहा है, इसको दिया गया, इसको नहीं दिया गया, कल क्यों खिलाए थे जब हम नहीं थे, आज हम हैं, आज क्यों नहीं खिलाए? आप समझे ना मोटी बातें, एक छोटी सी दावत, एक छोटे से स्कूल, फिर एक छोटे से मदरसे के लिए इतने ज्यादा सब्र आजमा लम्हात से आदमी को गुजरना पड़ता है। जो आदमी, जो जिम्मेदार इन सारी चीजों को सब्र करके गुजारता है, उसी का मुकद्दर कामयाबी बनती है, वही दुनिया व आखिरत में सआदतमंद बन जाता है। फिर आदमी के लिए ये जो हम तलाश करते हैं ना, हम लोग सोचते रहते हैं कि सिर्फ अल्लाह के लिए काम करना है, हम चाह रहे हैं सिर्फ अल्लाह के लिए। बहुत मुश्किल काम है, आसान काम? बहुत मुश्किल काम है भाई। आज हमारा आलम यह है, वो जो दो सजदे हम कर रहे हैं, दो रकात, तो अस्तग़फिरुल्लाह, वो दो रकात भी खुदा के लिए नहीं करना है। कोई उसमें रियाकारी, दिखावा, ख्याल इधर उधर, इंतशार ज़हनी, दिल की कैफियत अलग। अब अंदाजा है कितना मुश्किल काम है अल्लाह के लिए करना। मगर भाई आप अगर वाकई अल्लाह के लिए करने वाले बनना चाहते हैं तो दूसरे बंदों की जिम्मेदारी लेकर वो काम करें, तो खुद ब खुद आपको अल्लाह के लिए काम करने का सबक ये काम सिखा देगा। नाराजगियां हैं, खुशियां हैं, ताने हैं, अजियतें हैं, सताना है, जुल्म है, जहनी अजियत, जिस्मानी अजियत से ज्यादा एक जिम्मेदार को जहनी अजियत दी जाती है। भाई आप स्कूल चला रहे हो तो एक सुसे माशरा रहता है, उसमें असातिज़ा हैं, तलबा हैं, कुछ लोग पढ़ाने जिम्मेदार सरपरस्त।
हर एक आता है, अलग अलग गुफ्तगू करता है। हर आदमी चाहता है कि मेरा तहफ्फुज़, हर आदमी जाती तहफ्फुज़ चाहता, जाती मफाद चाहता। तो आप क्या चाहते हैं? स्कूल का मफाद। तो आप सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, फिर आपका जहन खुद ब खुद ऐसे बनता है, नहीं ये शख्स ये कह रहा है, ये शख्स गालियां दे रहा है, ये शख्स अजियत दे रहा है, ये शख्स मशक्कत दे रहा है, ये शख्स तारीफ कर रहा है, ये शख्स बुराई बयान कर रहा है, ना मैं इसके लिए करूंगा, ना इसके लिए करूंगा, बस इस तकलीफ दे माहौल में सिर्फ खुदा के लिए करूंगा। खुद ब खुद सबक मिल जाता है कि खुदा के लिए किया जाए। हजरत फारूक आजम ये स्कूल चलाने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। हजरत फारूक आजम ये जामिया और एक मदरसा चलाने वाली शख्सियत का नाम ही नहीं है। कैसा निजाम होगा, कैसी अजियतें बर्दाश्त करते थे होंगे, कैसा प्यारा सोच रखने वाली शख्सियत ये थी होगी कि जिनकी आदिलाना हुकूमत में 5 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैल गया। कहने के लिए जुमला बहुत आसान है।